नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नोट्स। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लेसन टू द काबुलीवाला क्लास 8। तो फ्रेंड्स, लेसन बहुत ही मार्मिक है, इसको समझने के लिए बहुत ही आपको इमोशंस की आवश्यकता है। और इसमें क्या है कि पढ़ाते पढ़ाते मैं भी भावुक हो गया था क्लास के अंदर, और इतना भावुक हो गया था कि पढ़ाते पढ़ाते मुझे 2 मिनट रुकना पड़ा था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें एक छोटी सी लड़की है मिनी, और मिनी के साथ इसका काबुलीवाला का अटैचमेंट दिखाया गया है कि काबुलीवाला मिनी से किस तरह से अटैच हो जाता है, वो उसे अपनी बेटी की तरह ही मानने लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। लिटिल मिनी वॉज 5 ईयर्स ओल्ड एंड ए ग्रेट चैटर बॉक्स। छोटी सी मिनी जो है वो बहुत ही बातूनी थी, 5 साल की लड़की थी। चैटर बॉक्स होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है व्यक्ति, उसे हम चैटर बॉक्स बोल सकते हैं। तो शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। वह हर समय बिना बात करे नहीं रह सकती थी। विदाउट का मतलब होता है बिना, यानी कि बिना बात करे उसे रहा नहीं जाता था। हमेशा उसे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता था जिससे कि वो बात कर सके। हर मदर वॉज ऑफन वरीड अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी। उसकी माता जी जो थी वो बहुत ही चिंतित थी। वरीड का मतलब होता है चिंतित, यानी कि बहुत ही चिंतित थी उसकी इस नॉन स्टॉप टॉकिंग। नॉन स्टॉप टॉकिंग होती है लगातार बातें करना। जिस तरह से वो लगातार बातें करती थी मिनी की, इस तरह की बातों से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, चिंतित थी। एंड ट्राइड टू साइलेंस हर, और उसे वो चुप करने की कोशिश किया करती थी। हर कन्वर्सेशन विद हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लाइवली। और उसके पिताजी के साथ उसकी जो वार्तालाप होती थी वो बहुत ही लाइवली होती थी। मतलब वो जो उसके सामने वस्तुएं होती थी, चीज़ें होती थी, उनके बारे में वो ज़्यादा पूछती थी, यानी कि जीवंत चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा पूछती थी जो उसके सामने होती थी। लाइवली बोलते हैं जो बिल्कुल सामने होते हैं, हम उसके बारे में बातें करते हैं। तो वन डे मिनी बर्स्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम। एक दिन अपने पिताजी के स्टडी रूम में मिनी एकदम से घुस गई। बर्स्ट इनटू का मतलब होता है तेज़ी से घुसी। ये इस तरह के टर्म्स जो हैं बच्चों याद कर लिया करो। बर्स्ट इनटू का मतलब होता है वो तेज़ी से घुसी। शी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सैड। उसने अपनी भुजाएं उसके चारों तरफ रखी और कहा, यानी कि जैसे उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और उससे कहा, पूछा, व्हाट डू यू थिंक फादर, तुम्हें क्या लगता है पिताजी। भोला सेज, भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स हु ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक एंड दैट इज वाई इट रेन्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन उसने किया अपने पिताजी से। उसने कहा, पिताजी आपको क्या लगता है, और भोला जी ने मुझे बताया है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस में व्हाट डू यू थिंक, यानी कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं। तो भोला मुझे बताता है, भोला ने मुझे बताया है कि बादलों में एक हाथी है, ठीक है, और जो अपनी सूंड से पानी फेंकता है। ब्लोज वाटर आउट का मतलब होता है सूंड से पानी फेंकना। इट्स ट्रंक का मतलब सूंड होता है, यानी कि अपनी सूंड से वो पानी फेंकता है। दैट इज़ वाई इट रेन्स, और यही कारण है कि वर्षा होती है। दैट इज़ वाई का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं फ्रेंड्स जहाँ पे यही कारण है, इस तरह की वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई, इससे पहले कि उसके फादर जो है उसका बात का जवाब दे पाते, मतलब उसकी बात का जवाब भी नहीं सुना, शी रैन टू द विंडो, और वो विंडो के पास चली गई, विंडो की तरफ दौड़ी। ए काबुलीवाला, ए काबुलीवाला, उसने देखा कि काबुलीवाला बाहर दिख रहा था, तो काबुलीवाला कह करके वो चिल्लाई। मिनी कॉल आउट टू द काबुलीवाला, मिनी ने काबुलीवाला को बुलाया, ठीक है। कॉल आउट का मतलब पुकारा, बुलाया। बट वैन ही लुकड एट हर, लेकिन जब उसने उसकी तरफ देखा, लुकड एट का मतलब उसकी ओर देखा, तो शी वॉज इन टेरर, तो वो डर गई थी। टेरर का मतलब भय,
भयभीत हो गई थी, यानी कि उसकी शक्ल को देख करके वो डर गई थी, एंड रैन टू हर फादर, और फिर अपने पिताजी के पास दौड़ गई वापस। शी हैड हर्ड दैट काबुलीवाला वालाज कोच चिल्ड्रन, यानी कि जो काबुलीवाला है उसने सुन रखा था कि काबुलीवाला बच्चों को पकड़ लेता है। कोच यहाँ पर कैच की सेकेंड फॉर्म है, कोच चिल्ड्रन, पुट लैम इन देयर सैक्स, और अपने बोरों में उसे रख लेता है, एंड टुक दैम अवे, और उनको दूर ले जाता है। तो ऐसी कहानी किसी ने उसे सुनाई होगी, इस तरह की कहानी उसने सुन रखी थी कि जो काबुलीवाला है अपने बोरे में बच्चों को बंद करके ले जाता है दूर कहीं, किडनैप कर लेता है। द काबुलीवाला केम टू मिनीज हाउस, काबुलीवाला मिनी के घर आया, एंड हर फादर मेड श्योर दैट मिनी वुड कम आउट, और उसके पिताजी ने श्योर किया, निश्चित किया, पक्का कर दिया कि आप जो है बाहर जाओ एंड मीट हिम, और उससे मिलो, ठीक है, क्योंकि उसने उसको बुलाया था, इसलिए पिताजी ने फोर्स किया उसको कि जाओ बेटा आप उससे मिलो। सून मिनी लॉस्ट, और जल्दी ही मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम, और जल्दी ही मिनी को जो उससे डर लग रहा था वो उसका डर गायब हो गया। एंड इट वॉज ए जॉय टू वॉच द बिग बियर्डेड पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5 ईयर्स ओल्ड, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था उसे उस लंबी दाढ़ी वाले से, पठान से बातें करते हुए। टेंडरली का मतलब होता है सॉफ्टली, यानी कि बहुत ही वो प्यार से उसके साथ बातें कर रहा था, और ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत ही आनंददायक था उसके लिए, यानी कि जिस तरह से वो डर रही थी उसे लगा नहीं कि ये व्यक्ति कुछ ऐसा काम करता है, क्योंकि बहुत ही वो सॉफ्टली बात कर रहा था। द काबुलीवाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनीज हाउस, अब काबुलीवाला मिनी के घर लगभग डेली आता था उससे मिलने के लिए। दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स, और वो बैठा करते थे और घंटों बातें करते रहते थे, एंड क्रैक जोक्स विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ वो जोक यानी कि चुटकुले भी छोड़ा करते थे। क्रैक जोक्स का मतलब होता है चुटकुले छोड़ना या मजाक करना। तो वंस आ ईयर, एक साल में, रहमान, फॉर दैट वॉज द काबुलीवालाज नेम, क्योंकि रहमान उसका नाम था काबुलीवाला का, काबुलीवाला का नाम क्या था, रहमान। तो वुड गो बैक, एक साल में एक बार वो अपने घर जाता था, टू हिज ऑन कंट्री, अपने गांव में जाया करता था। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपल ओड हिम बिफोर ही लेफ्ट, और ही वुड फर्स्ट कलेक्ट, वो पहले जो है कलेक्ट किया करता था अपने पैसे को, अपने रुपयों को वो कलेक्ट करता था, ठीक है, जो लोगों के पास उधार पड़ा रहता था। ओड का मतलब होता है उधार, यानी कि जो उसने उधार दिया होता था जो चीज़ें वो वापस लेता था, बिफोर ही लेफ्ट, जब वो वहाँ से चलता था अपने घर के लिए तो वो उनसे पैसे वापस ले जाता था। ऑल दो रहमान वॉज बिजी, जबकि रहमान जो है बहुत ही व्यस्त था, ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी, फिर भी वो लिटिल मिनी से मिलने का समय निकाल लेता था। तो वन डे देयर वॉज ए लोट ऑफ नॉइस इन द स्ट्रीट, एक दिन गली में बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ था, इतना शोर मचा हुआ था। रहमान हैड स्टैब्ड ए मैन हु ओड हिम मनी, क्यों मचा हुआ था शोर, क्योंकि रहमान ने एक व्यक्ति को छुरा घोंप दिया था जो उसके पैसे, जिसके पास उसके पैसे थे। फॉर दिस क्राइम ही वॉज सेंट टू प्रिजन, क्यों उसने छुरा घोंपा था, क्योंकि वो उसके पैसे नहीं लौटा रहा था और इसीलिए उसने उसको छुरा घोंप दिया था, और इस क्राइम के लिए, क्राइम होता है अपराध, तो इस क्राइम के लिए उसे जेल भी भेजा गया। टाइम पास्ड, अब वो जेल चला गया था, और जेल जाने के बाद समय बीतता चला गया, क्योंकि अब उनकी मुलाकात नहीं होती थी तो समय तो बीतना लाजमी था, समय तो बीत ही जाता है। टाइम पास्ड एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, समय बीतता चला गया और मिनी जो है अपने पुराने मित्र को भूल गई थी, बूढ़े मित्र को भूल गई थी। द काबुलीवाला, और जो
काबुली वाला, जिसका नाम था, नाम तो रहमान था लेकिन वो काबुली वाला उसे बुलाती थी। शी ग्रीव अप, और वह बड़ी हो गई थी। ग्रीव अप इंटू ए वेरी प्रीटी वुमेन, अब वो एक सुंदर औरत में बदल गई थी। हर फादर मेड अरेंजमेंट फॉर मिनीज वेडिंग, और उसके पिताजी ने उसकी शादी की तैयारियां की हुई थी। अरेंजमेंट्स का मतलब शादी का प्रबंध किया हुआ था, वेडिंग का मतलब जो होता है शादी, तो उसकी शादी का प्रबंध उसने किया हुआ था। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट, मिनी उस रात को, मिनी की शादी हो रही थी ठीक। एज द फादर वॉज बिजी इन द प्रिपरेशंस, और क्योंकि उसके पिताजी तो वो बिजी थे तैयारियों में, प्रिपरेशंस का मतलब होता है तैयारियां, यानी कि वो शादी की तैयारियों में लगे हुए थे क्योंकि उसी दिन मिनी की शादी होने वाली थी। अ मैन केम अप टू हिम, एक आदमी उनके पास आया, अप टू हिम का मतलब उसके पास आया, एंड सैल्यूटेड रिस्पेक्टफुली, और उसे सलाम किया, सम्माननीय तरीके से उसे सलाम किया। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकोगनाइज हिम, पहले तो उसने उसे पहचाना ही नहीं, अब इतने दिनों के बाद आदमी मिलेगा तो उसे कौन पहचान पाएगा, तो उसको पहचाना नहीं। सून ही रियलाइज्ड, और जल्दी ही उसे एहसास हुआ, इट वॉज ओल्ड रहमान, कि ये तो बूढ़ा रहमान है, द काबुली वाला जो उनके यहाँ आया करता था। मिनीज फादर टोल्ड हिम दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन, मिनी के पिताजी ने उसे बताया कि यहाँ पर शादी की तैयारियाँ चल रही है, शादी का उत्सव चल रहा है, सेरेमनीज होता है उत्सव, तो आर गोइंग ऑन एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे, और उसे इसीलिए उसे किसी दूसरे दिन आना चाहिए ठीक है। तो ही वॉज अबाउट टू लीव, वह जाने ही वाला था, वैन ही टर्न अराउंड एंड सैड, कि वह अचानक से मुड़ा और कहा, मे आई सी दैट लिटिल वन, क्या मैं उस छोटी सी लड़की से मिल सकता हूँ सर, क्या मैं उस छोटी सी लड़की से मिल सकता हूँ श्रीमान जी। और छोटी सी लड़की से यानी कि मिनी को अभी भी वो छोटी ही समझ रहा था, और उस छोटी लड़की से वो मिलना चाहता था। तो फ्रेंड्स लेकिन अब वो छोटी नहीं रही थी, उसके लिए वो अभी भी छोटी थी, क्योंकि वो छोटी छोड़ के गया था, तो उसके दिमाग में यही था कि वो अभी भी छोटी बच्ची है, बट इट वॉज नॉट सो, शी हैड ग्रोन अप, तो अब वो बड़ी हो गई थी। तो ही स्टिल थॉट ऑफ मिनी एज अ लिटिल गर्ल, वो अभी भी ये सोच रहा था कि मिनी अभी भी छोटी लड़की है। हु केम रनिंग टू हिम एंड कॉलिंग, काबुली वाला जो उसके पास दौड़ करके आएगी और ऐसे चिल्लाएगी, काबुली वाला ओ काबुली वाला। ही थॉट दैट दे वुड टॉक एंड लाफ एज दे यूज टू डू लॉन्ग एगो, और उसे ये भी लग रहा था कि वो ठीक इसी तरह से बातें करेंगे और बैठेंगे जैसे वो बहुत समय पहले किया करते थे। तो वो इसका मतलब है कि वो पुराने समय में चला गया था, अपने पुराने समय के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन उसे ये एहसास नहीं हुआ कि वो उसकी जो मिनी थी वो बहुत बड़ी हो चुकी है। मिनीज फादर टोल्ड हिम, मिनी के पिताजी ने उसे बताया अगेन दैट द मैरिज सेरेमनीज वर गोइंग ऑन, कि शादी का उत्सव चल रहा है। द काबुली वाला देन गेव हिम ए स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राई रेजिन्स, फिर काबुली वाला ने उसे एक छोटा सा पैकेट दिया जिसमें सूखे किशमिश थे, ड्राइड रेजिन्स का मतलब किशमिश होता है, नट्स एंड एलमंड्स फॉर मिनी एंड सैड, उसने उसे कुछ किशमिश दिए, नट्स दिए, अखरोट दिए, एंड एलमंड्स का मतलब बादाम दिए और मिनी के लिए, और कहा गिव दीज टू द लिटिल वन, ये उस छोटी बच्ची को दे देना, लिटिल वन का मतलब छोटी बच्ची यहाँ पे, आई टू हैव ए लिटिल वन लाइक हर, मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है ठीक उसी की तरह से, एंड आई थिंक ऑफ हर, और मैं उसके बारे में सोचता हूँ, एंड ब्रिंग यू दीज ड्राई नट्स, दीज ड्राई फ्रूट्स,
और ये ड्राई फ्रूट्स मैं उसके लिए लेकर के आया हूँ, यानी कि मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है। और सबसे पहले क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, हम दोनों बातें किया करते थे बैठ करके, इसलिए मैं ये उपहार में उसके लिए लेकर के आया हूँ। आई थिंक ओफर एंड ब्रिंग यू दिस ड्राई फ्रूट्स। मिनीज़ फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स। मिनी की के पिताजी की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि वह भी एक बाप था। मिनी का जो पिताजी थे वो भी एक बाप की फीलिंग रखते थे, पिताजी की फीलिंग रखते थे। ही रियलाइज दैट द पुअर काबुली वाला वॉज ऑल्सो ए फादर। उसे महसूस किया, उसने एहसास किया कि ये भी एक पिता है। ही कॉल्ड मिनी, उसने मिनी को बुलाया। हु केम आउट ड्रेस्ड एज ए ब्राइड, और जो एक दुल्हन की ड्रेस में बाहर आई। अब वो दुल्हन थी क्योंकि उसी की शादी का सेरेमनी चल रहा था, उत्सव चल रहा था। द काबुली वाला वॉज शॉक्ड टू सी दैट मिनी, और उस मिनी को देख करके काबुली वाला शॉक हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया। शॉक्ड का मतलब उसे धक्का सा लगा। द लिटिल गर्ल ही हैड नाउन हैड ग्रोन इंटू ए ब्यूटिफुल वेमेन। वो छोटी सी लड़की थी जिसे वह जानता था, वो एक सुंदर वेमेन बन गई थी, सुंदर औरत में बदल गई थी। ही सडनली रियलाइज दैट हिज ओन डॉटर वुड हैव ग्रोन अप टू, और उसने महसूस किया, उसने एहसास हुआ कि उसकी जो अपनी पुत्री थी वह भी बड़ी हो गई होगी। एंड ब्रोक इंटू टीयर्स, और फिर उसके आंसू बहने लगे, उसकी आंखों से खूब आंसू बहने लगे। ब्रोक इंटू टीयर्स का मतलब है खूब आंसू आने लगे। मिनीज फादर टुक आउट सम मनी, मिनी के पिताजी ने कुछ रुपए निकाले। एंड गेव इट टू रहमान, और उसने रहमान को दिए। एंड सैड, और कहा गो एंड सी योर डॉटर एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस। जाओ अपनी बेटी को भी देखो और ईश्वर करे आपको सारी खुशियाँ मिले। तो इस तरह से फ्रेंड्स उसने उसकी पैसे से हेल्प की, क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं थे, वो तो जेल में रह कर के आया था, और वो भी उसकी लड़की भी शादी के लायक हो गई थी, तो इसलिए मिनी के पिताजी ने ही उसके पैसे से कुछ मदद कर दी। मिनीज़ फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, और मिनी के पिताजी ने जो शादी में कुछ खर्च करना था उसमें से कुछ खर्च को कम कर दिया और वो पैसे उसको दे दिए। ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड एंड द इलेक्ट्रिक लाइट्स। वह अब जो मिलिट्री बैंड उसने कर रखा था उसको अफोर्ड नहीं कर पाया था, और जो इलेक्ट्रिक लाइट्स थी, बिजली थी, वह उसे भी अफोर्ड नहीं कर पाया था, मतलब उसके भी पैसे वह नहीं दे पाया था। बट ही वॉज हैप्पी, लेकिन वह खुश था दैट हिज मनी हैड हेल्प्ड ए लॉन्ग लॉस्ट फादर, कि उसकी जो पैसा है उसने मदद की है एक ऐसे पिताजी की जो बहुत पहले खो गया था। मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन, जो उसकी जो लॉस्ट बेटी थी या लॉस्ट फादर था, वो अपनी बेटी से दोबारा मिल पाए, उस इसलिए में उसके पिताजी की उसने हेल्प की है, यानी कि उस काबुली वाला की उसने हेल्प की है, तो इसलिए वह बहुत खुश था। तो बच्चों इस कहानी में यही दिया गया है कि व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थ को छोड़ करके दूसरों की मदद करनी चाहिए, जिस तरह से मिनी के पिताजी ने मदद की थी। और जो सच्चा लगाव होता है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ें, तैयार करें। थैंक यू।